आपकी आंखों में प्यार है, शुक्रिया बहुत बहुत सबको, प्यार प्रणाम नमस्कार। लक्स आइकॉन अवार्ड गोल्डन अवार्ड का गेम, वाह कुछ ज्यादा ही तादाद में आई ली, अच्छा लग रहा है। कैसा रहा ये साल आपके लिए, अगर आप कुछ बताना चाहें आप? अच्छा भी रहा बुरा भी रहा, जैसे होता है हर इंसान की कहानी। इंडस्ट्री के खूबसूरत इंसान कई सारे चले गए, विनोद साहब, शशि जी मरहूम, अच्छी बातें भी हो रही है, मतलब शो मस्ट गो ऑन चल रहा है, वीडियो चल रहा है, बिंदास चल रहा है। हम देख रहे हैं आपके बेटे बहुत ही बैक टू बैक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और बैक टू बैक फिल्में उनको अच्छी अच्छी मिल रही है, तो जब इस तरह से हर जगह से उनको हर जगह से इस तरह से कमेंट्स आते हैं, तो क्या फील करते हैं आप एज एन फादर, क्योंकि आप ढेर सारी फिल्में भी करें, स्टूडेंट आप देखिए कैसा फील करना चाहिए एक बाप को भिड़ू, उसका बच्चा अगर पास होता है तो तेरा तू भी तो मतलब तेरा पापा खुश होता है ना, एक अच्छा इंटरव्यू आप लेके जाते तो। जैकी दादा, साल खत्म होने वाला है और कई सारे ऐसे सुपरहिट मूवीज भी इस साल ने इंडस्ट्री को दी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा दिल को छुआ हो? बहुत सारी अच्छी पिक्चर है आके भिड़ो, वक्त मिला नहीं देखने का, मैं देखना चाहता हूँ कुछ को, देखना पिंक देखना चाहता हूँ, वेंटिलेटर देखा अच्छा था, देखता हूँ ज्यादा देखूंगा बड़ू, वक्त नहीं मिलेगा बड़ू, अनाज उगा रहा हूँ बस, यहाँ वहाँ दोस्तों के फार्म पे चला जाता हूँ और खेती बाड़ी करते रहता हूँ, वहाँ पे वो कनेक्शन भी नहीं रहता है, कम रेडिएशन है भाई। हाँ बड़ू क्या, हाँ क्यों भाई, बारिश में भी तो होती है भाई, ठंडी ही चीज है ना भाई, रेडिश है वो सब आएगा ना, अभी कैरेट वेरेट ये सब घुस रहे हैं अंदर, गाजर बाजर सब आएगा, बटाटा रतालू। आज एक दुखद न्यूज सामने आई है ज़ायरा वसीम का, तो उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? क्या बोलूँ, शर्म की बात है यार, क्या बोलूँ मैं तेरे को भिड़ू, तुम्हारा क्या कमेंट रहेगा डार्लिंग, तू बता ना, अपने माँ बहन को ऐसे कोई कर तो तेरे को क्या लगेगा, क्या बातें कर रहा है, ऐसे रिएक्शन मत पूछो जिसको तुमको जिसका आंसर मालूम है डार्लिंग, कुछ नहीं है तो आता हूँ। आने जाने की जगह से लाल शर्ट अंदर हो जाए, दरवाजा बना दरवाजा बना, अभी तक खरीदा नहीं रोड, आने जाने हाय अभी ब्रो, व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशंस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम गुड गुड परफॉर्मेंसेस मोर देन एनीथिंग एल्स, लाइक
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, थैंक यू। जी, मेरी स्टार्टिंग विद व्हाट आई एम वेयरिंग, मेरी एक बहुत अच्छी स्टाइलिस्ट है आस्था शर्मा। आई एम वेयरिंग सचिन एंड बाबी, एंड आज हम हिंदुस्तान की अनेकों खूबसूरत एक्टर्स को सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द इवनिंग, एंड या आई एम होस्टिंग बिट ऑफ इट विद शाहरुख सर। सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। I mean the evergreen, everlasting Rekha ma'am is, I think, the most stunning, सबसे खूबसूरत, सबसे stylish actor है वो, and she has to be everybody's all time favorite. Good evening, Bhumi. You have also been nominated. Can you just express your views like on being nominated for this prestigious? So I'm very excited. I mean, I've always said when you're nominated and your work is appreciated, it's extremely motivating and encouraging, especially for somebody like me. I've just like started off, I'm 3 films old, so you know, every time there's a nomination, you win, it feels really good, and I just want to thank everybody that nominated me. एक्चुअली मुझे इसके बारे में नहीं पता, सो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट था क्या, लाइक मैं कैसे कमेंट करूँ। हाँ जी जी, ओके, ओके। वेल, आई एम रियली अपॉल्ड, शी इज़ अ चाइल्ड, एंड ये हमारे कल्चर में एक प्रॉब्लम है जहाँ पे लोगों को लगता है, स्पेशली अगर आप एक अभिनेत्री हैं, कि आप उनकी प्रॉपर्टी हैं, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बट आई एम वेरी हैप्पी अगर उसने, आई डोंट नो, हाउ शी पुट इट ऑन सोशल मीडिया और समथिंग, उन्होंने वो किया। सो आई एम रियली ग्लैड दैट उसने वो स्टेप लिया, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक आउट एंड टेक अ स्टैंड फॉर अ थिंग लाइक दैट। सो आई, मोर पावर टू हर। The prep is going great. We are going to start very soon, and yeah, it's a phenomenal script. So I'm really excited to start shoot. Is there a bit of nervousness? Oh yes. There's a lot of nervousness, especially working with Abhishek Chaubey. He's such a phenomenal director. I think when the team is so good, even my co-stars and my co-actors, there are some brilliant people that are in the film. So, it's time, like, you always want to up your game, and nervousness is good. It's good nervous energy. Honestly, it's an amazing experience. It's an amazing feeling, because being an actor, you work towards getting successful films. But at the same time, it's also very humbling, and you feel good that your instinct and your gut worked. So I think, again, just encouraged by all the success that I've seen this year, and it comes back to the same thing, that content is king. So it sort of reiterates the fact that always go for strong stories and strong characters. जी, वेल, आई एम एक्चुअली स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट आदि कैरिंग व्हाट्स हैपनिंग विद देम, बट इफ इट इज, कंग्रेचुलेशन। आई थिंक दे आर क्वाइट अ पावर कपल, एंड दे आर क्वाइट अमेजिंग इंडिविजुअली एंड टुगेदर। सो या, लोड्स ऑफ कंग्रेचुलेशन। या, थैंक यू, बाय गाइस। जी, आई लुक एट यू एंड आई फील लाइक थैंक यू। या, करीन जी, थोड़ा वेट करो, 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 थोड़ा
Are we doing this? थैंक यू. मैंने आज FCUK का कुटियर कलेक्शन में से एक आउटफिट पहना है और आज की शाम के बारे में मैं क्या कहूँ. आज की शाम जो है वो खूबसूरती को सेलिब्रेट करने के लिए है, वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए है और SRK होस्ट कर रहे हैं. सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ रियली फन फिल्ड इवनिंग और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई थिंक मैं करीना कपूर खान की बहुत बड़ी फैन हूँ और हमेशा रहूँगी. आई थिंक शी इज अ फ्लॉलेस ब्यूटी. नो आई हैव नो आइडिया. जी जी आई रियली हैव नो आइडिया व्हाट टू से अबाउट दिस, क्योंकि यू नो ये हर आए दिन हमारी कंट्री में होता है एंड रादर देन फोकसिंग ऑन इश्यूज लाइक दिस आई डोंट नो why our country and the you know rulers and caretakers of our country are really behind minuscule matters. I think jis tarike se hum women empowerment ki baat karte hain aur women safety ki baat karte hain, I think sirf baatein karna zaruri nahi hai. I think we should take some action towards it to stop all this nonsense from finally happening. Anushka aur Virat ko kya badhai denge? Anushka aur Virat ko main kya badhai do, I mean maine bhi ye suna hi hai aap logo ke zariye hi ke they getting married. I really have no confirmation on this, but if this is true, I wish them all the I wish both of them all the very best and a fairy tale life ahead. I think Aksar too is a thing of the past now. Today we are tonight we are here to celebrate beauty and womanhood, and we'll talk about it. Thank you, thank you. Sorry, one second. Wait, I'm gonna pass. Hello. Hi. So happy this man is. He was like, oh. So happy. How are you? साड़ी मेरा फेवरेट फेवरेट अटायर है, सबसे एलिगेंट कपड़े है साड़ी. साड़ी एक्चुअली आई थिंक बहुत फेमिनिन है, एक्चुअली सबसे फेमिनिन है. बट फॉर मी साड़ी इज जस्ट फॉर वेरी वेरी स्पेशल ओकेजन्स. आई डोंट यूजली वेयर दैम बट सो आज एक्चुअली लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स, इट्स एक्चुअली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एंड सो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल ओकेजन टुडे. Hi. Why are you on that side? Why are you not this side? Kya hua? Kyun bahar hai? Allowed? Allowed nahi hai. Allowed nahi na? Andar? I know. Oh yo. Okay, next time. Lekin pehle aaj I think you were inside. Aaj kya hua? Allowed nahi hai. It's okay. I don't know actually if I have been. I'm performing tonight, yes, but and I'm here just to support and encourage all the girls who have been awarded and all the actresses and amazing women. I think that obviously we have to continue working hard at making sure that everyone enjoys equal rights. There's absolutely no tolerance towards violence. No, absolutely not. I mean, I've worked with Tiger before. There's no reason for me not to work with him again. And I actually would like to say that something very exciting is coming up, but I won't say it now. क्या बधाई देंगे? क्या बधाई देंगे?
I'm so excited. Honestly, I'm so excited. I think it's an amazing news. I'm really, really happy for Anushka and Virat, and I can't wait. I can't wait for their wedding. Yeah. बट ही टोल्ड मी आपने उसने कन्फर्म किया मैंने पहली बार सुनाया एक्चुअली इन्विटेशन नहीं मिला अभी तक क्या शादी हुई नहीं ओह माय गॉड दिस इज सो कूल अच्छा हाँ दिन लेट्स सी आपको नहीं बुलाया क्या नहीं कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं बोला प्लीज अनुष्का जी ने किल मी दिस इज कंफर्म कंफर्म है ठीक है ऑल द बेस्ट लव इज इन द एयर जुड़वा थ्री Yes. Thank you. Okay, so I'm wearing Gavin C. Miguel and you mean jewelry? Anmol Jewels. जी खासियत यह है कि बहुत सिंपल है और काफ़ी क्लासी कलर पहना है न्यूड कलर इज़ माय फेवरेट तो इस करके पहना है एंड प्लस आई एम नॉमिनेटेड आल्सो फॉर इमर्जिंग ब्यूटी सो आई एम मोर देन हैप्पी जी देखिए मैं यहाँ पे लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स में हूँ जो कि ग्रैंड सेलिब्रेशन है मोस्ट ब्यूटीफुल वेमेन इन दी बॉलीवुड का और साथ ही साथ जो भी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस किए हिंदी सिनेमा में एक्ट्रेसेस ने उसका ये बहुत ही बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन है सो आई एम सो मोर देन हैप्पी एंड प्राउड टू बी हियर यस जी मैंने वो वीडियो देखा बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग आई जस्ट लैंडेड फ्रॉम गोवा एंड आई थिंक मैं अगर होती जो ऐसे मेरे साथ भी मेरी फ्रेंड के साथ अपेरेंटली एक जब हम बहुत छोटे थे एक शादी में वी वर अटेंडिंग अ मैरिज तो किसी ने कुछ बदसलूकी की तो उसी वक्त मैंने जो भी वो जेंटलमैन थे उनकी फिंगर पकड़ के आई वॉज अ फाइटर आई न्यू इट कि अगर वो उस टाइम अगर कोई भी अटैक कर रहा है तो एज अ गर्ल यू हैव टू बी रियली वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप उसी टाइम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें और जो उनके कुछ पिक्चर्स देखे कि वो आगे बैठे हैं और पीछे से वो सब है आई थिंक द गर्ल्स नीड टू बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट Yes. जी हाँ सी ऑल दीज एक्सपीरियंसिस दे टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स किस तरीके से आपको चीज़ें टैकल करनी हैं आगे फ्यूचर में तो मैं ये नहीं कहूँगी बैड एक्सपीरियंस तो था ही बट साथ ही साथ आप सीखते हैं कि आपको कैसे आगे चल के फाइट करना है और क्या आपको स्टेप लेना चाहिए उसके लिए ऑल द बेस्ट टू विराट कोहली अनुष्का शर्मा थैंक यू वुड आस्क व्हाट हेट स्टोरी फोर व्हाट खुशखबरी ओके नहीं हेट स्टोरी फोर इज रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर होली 2nd of March 2018 Thank you.
So what? What? Do you have anything to say? Should I just walk past? Yes. Do what? Probably the one who pulls out, which is why the one standing here talking. Yeah. Oh, is it better? Okay. Do you want to ask him a question? Only visual. Just only visual. I was wondering that you guys are asking questions or are standing here. Jacqueline Fernandez wishing all of you guys an amazing, amazing 2018. Because nobody knows the future. I think people have their own imagination, own plans in life, and sometimes things fall when you don't plan it also. I feel planning is like challenging God, and this is what you talk about. Yes. What are your expectations? Well, as intelligent as he could be and in every field, I think he's a very, very classy man and we all look up to him. The moment you said bathtub, I don't remember it. Yeah, I saw that. But तुम एकदम उस आसमान और पाताल की बातें करते हो ना? I think it's very sad what happens with Zaira, and I have my whole concern and sympathy with her. And I think whatever has to be. Whatever legal actions or whatever has to be taken should be taken with firmness. Is that all? Hi guys, this is Neetu Chandra and wishing you all a very, very, very happy new year. Aap sabko 2018 ki shubhkamnaen. Thank you. Aaj 17 bolne wale. Thank you.
Let's just stop here. Go there. हाँ जी, थैंक यू नीता लुल्ला। मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, जो मैं डालती हूँ वो इसलिए डालती हूँ कि वो कंफर्टेबल फील करूँ मैं, वरना मैं वैसे कपड़ा डालूंगी ही नहीं जिसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेट द अनाउंसमेंट कम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, देन आई विल गिव यू रिएक्शंस आफ्टर दैट, एकदम मुड़ मुड़ के ऐसे वाले एक एक करके पूछो, सबके आंसर देती हूँ। हाँ हर टाइम मैं ना बहुत बदलती रहती थी काफ़ी टाइम बाद, तो वो माधुरी मैम से लेके करिश्मा तक, और अभी आज की जनरेशन में तो यार देयर सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स हुआ गुड एक्ट्रेसेस आल्सो। अब वो जो रेयरिटी है ना कि भाई ये सिर्फ कैन लुक गुड और दिस वन कैन ओनली एक्ट, आई डोंट थिंक इट स्टैंड्स ट्रू एनी मोर। एक नाम लेके बाकियों को नाराज़ नहीं करूँगी मैं। आई जस्ट होप शी गेट्स जस्टिस, मैं इतना ही बोलूँगी। गुड दैट एट लीस्ट शी हैज़ रेज़ हर वॉइस, चुप करके बैठने से तो बेटर ही है। और मतलब मैंने बाई चांस वो चीज़, मतलब मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था इससे पहले, ट्विटर पे लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कुछ, तो उसका जवाब भी दिया मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रोल को। बट एनी वे आई जस्ट होप जस्टिस मिले उसको, मतलब बिकॉज शी हैज़ रेज़ द कंसर्न, शी डिजर्व्स टू गेट जस्टिस नाउ। यार पहले पता तो चले हो गई है शादी की, नहीं तुम क्यों बेचारों पीछे पड़े हो यार, लेट देम गेट मैरिड इन पीस इफ एट ऑल दे आर गेटिंग मैरिड, अदरवाइज जस्ट लेट देम बी, इट्स देयर लाइफ। हाँ क्या मुझे नहीं पता यार, हो रही मुझे नहीं बुलाया, तुम्हारे को नहीं बुलाया तो बुरा, बड़ा बुरा लग रहा है। आपको कार्ड नहीं मिला? नहीं मुझे नहीं मिला यार, ये तो खबर है। तुम लोगों ने खबर, तुम लोगों को सबको बुरा लग रहा है कि तुम लोगों को इनवाइट नहीं किया इसलिए ऐसी खबरें डाल रहे हो। मुझे उसके लिए भी नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, सॉरी यार। हाँ हाँ जी, ऐसा सुनने में आया। यार द फैक्ट दैट दिस इज गोना बी ओनली अबाउट वुमेन, दैट इज वन थिंग दैट मेक्स इट स्पेशल। बाकी अवार्ड्स एंड विनिंग अवार्ड्स इज जस्ट प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस टू सेलिब्रेट द नाइट, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। आई फील इज जस्ट द फैक्ट दैट ऑल द ब्यूटिफुल एंड टैलेंटेड लेडीज आर गोना गेट टुगेदर ऑन वन स्टेज एट द सेम टाइम, आई थिंक आई एम हियर टू एंजॉय दैट। I think the charming and chivalrous man that he is, I think he's perfect for this kind of an occasion.
थैंक यू. अरे भाजो तो थैंक यू सो मच. We just saw each other, yeah. Matching, twinning in green. I'm wearing a Zara Umbrigar dress, and yeah, I mean, I think it's quite pretty. But and yeah, we decided to go a little, you know, a bright pop lip and you know, slightly severe hair just to break it up a little. I mean, I can't pick one. There's so many of them, and I'm really looking forward, you know, to the Lux Awards because, you know, they celebrate beauty in all forms. You know, beauty for looking beautiful, but also, you know, for the spirit and for the personality. You know, for being courageous to take on challenges. And so I think that's really important, and that's a really nice gesture. So I'm really looking forward to seeing who's winning what. I mean, I don't think that I'm in a position. I don't even know if that's true or not. So yeah, thanks. हेलो, क्या कहना चाहेंगे? ओ नाउ द मोबाइल इज आल्सो देयर. यस, हाँ जी. कैसा लगता है जब एक अवार्ड फंक्शन में दो अभिनेत्रियाँ एक जैसे एक ही कलर के कपड़े पहनकर चली आती है, तब कैसा फील हो रहा था आपको? एक्चुअली आप देखें तो रंग सिर्फ सात हैं, तो और एक्ट्रेस इतनी सारी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कलर कोऑर्डिनेटेड नहीं हो? सो आई थिंक इट्स रियली अम्यूजिंग एंड इट्स वेरी स्वीट, बट इट्स इंटायरली डिफरेंट आउटफिट्स एंड इट्स वी टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सो ऑब्वियसली दोनों के आउटफिट्स अलग ही दिखेंगे. Yes, thank you. I don't know if I'm getting an award, but I think I'm very happy to have been nominated in two categories. And more than that, I'm presenting a very special award tonight to a really, really special actress who's an iconic figure. So I can't reveal it right now, but I'm really excited for that. Obviously, it's extremely. I didn't even see. Sorry. Oh, sorry. I couldn't say. I think it's extremely. It's extremely sad. It's extremely shocking, and I'm very surprised the way it's been reported. Just tarike se, but I'm sure let the facts come out, and can't wait for the culprit to get behind the bars, of course. And I think an FIR has been filed, but we should wait for the facts to also come out. Thank you. Mam ya.
मैं सामने देखूं Today is a wonderful evening. This is the Alux Awards, and it's always fun to be here. It's always fun to do an interaction with Shahrukh. You never know what he's going to do and, you know, what masti he's going to be up to. Alia's performing, so I'm looking forward to seeing that award, that event as well. It's very ajeeb to look up. I'm looking down. I think Rekha ji for me, she really is an incredible, ideal woman in every way. I think she's flawlessly beautiful, she's eternally graceful, incredibly talented, and has perfect poise. I'm very sorry, अभी तक I don't know anything about this. अच्छा ऐसे night, so now we've come to that part of the night. Now so this part of the night, this is what I do. Thank you.
लक्ष्मी संजय नीति जी, नीति आज यहाँ पे वुमेन मूड को सेलिब्रेट किया जा रहा है जी, तो आप एक गाने के जरिए, मेरे ख्याल से आप म्यूजिक वाली हैं, तो म्यूजिक के जरिए अगर आप अपनी बात कहें जी। मैं ये कहूँगी कि आज हम यहाँ पर वुमेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी स्पिरिट को, उनकी ब्यूटी को, उनकी स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं बीइंग अ सिंगर, मैं आई थिंक वो गा कर सेलिब्रेट करना चाहूँगी। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंथम है जो मैंने गाया है, लक्स एंथम, जो कि लड़कियों के लिए कह रहा है कि वो रो के नहीं रुकेंगी, झुके नहीं झुकेंगी, और वो जो दिखती हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। सो ये लक्स एंथम है जो आज मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ, और वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ लक्स ब्यूटी अवार्ड्स। श्योर। रुके ना वो रुके, झुके ना वो झुके, दिखे वो जो दिखे वो है उससे कहीं ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू। Are you talking about beauty? I don't know. I always feel that beauty comes from within, and we have a lot of beautiful actresses. I think all Indian actresses are beautiful. I can't take just one name because there's Deepika, there's Priyanka, there's Katrina, there's Alia. There is beautiful women on Indian screen. I don't know. I don't have one favorite. I like them for different reasons. Like, I like Alia because she experiments with her role. She's a very good actress. She's extremely natural in front of the camera. There's Deepika, who's extremely gorgeous, and you know, she can carry the historical roles very beautifully because she has that aura. There's Priyanka, who is fabulous. You know, I just love her as an actress. You put her into any sort of a role and she just does it so well. So there are different actresses I love. Madhvi, ek taraf hum mahilaon ki khushi ko yahan par celebrate kar rahe hain, aur ek dusri taraf subah Zaira Wasti ke sath bas ruki ho gayi, chhedchhad ho gayi airport mein business class mein. Sorry, mujhe is bare mein kuch pata nahi hai. Sorry, जब मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर कमेंट करूँगी। नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कहीं भी, ना इंडिया में ना इस वर्ल्ड में, कहीं भी ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। जी अनुष्का विराट को क्या बताएंगे? जब वो मुझे बताएंगे कि वाकई ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं बताई दूंगी। थैंक यू, थैंक यू। आपने एंगल ये कौन सा लगा? इकड़े इकड़े चल, इकड़े इकड़े इकड़े। मैं इधर लाइट में, ये था मैं लाइट से। हां बस बस बस, लात मार रहे हैं। और एक बार Thank you. Thank you.
एक सेकंड रुको, पहले सेट करने दो, उसके बाद फोटो लो। गोल्डन रोज अवार्ड्स है तो ऑब्वियसली विमेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अस ऑल लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुनाइट। I think all the actresses being Jin Jin ko award mil raha hai aaj raat ko, I think all of them, be it Alia, Deepika, Katrina, I think all of them are all great achievers apne khud ke career mein kaafi, we've all worked for more than 12-15 years, so kisi ek ka naam lena to bura lage, because for me I think everybody is an achiever. Lekin sabne aapka naam liya, Kareena ek taraf hum mahilaon ki khoobsurti ko yahan pe celebrate kar rahe hain, but I definitely feel women are anyway way more superior than men. We are fighters और हम जैसे भी situation हो हमारी life में, personal हो professional हो, we all come out as fighters, because जैसे मैंने वहाँ भी कहा कि whether it's भगवान को भी हम लक्ष्मी कहते हैं, औरत के और से देखते हैं, औरत की तौर से हम उनको पुकारते हैं लक्ष्मी जी, अगर हम धरती की बात करते हैं तो धरती माँ करके बुलाते हैं,
तो वी आर ऑल जब भी कुछ वी डिस्कस समथिंग लाइक दिस वी ऑल टॉक अबाउट विमेन. सो आई थिंक विमेन जो है बहुत ही सुपीरियर है, तो वी विल फाइट आउट ऑफ एवरी सिचुएशन इन लाइफ. क्या आई मीन आई डोंट नो व्हाट न्यूज हैज कम सो आई डोंट नो. वो भी 18 मई को रिलीज होगी तभी बात करेंगे. Obviously बहुत बुरा लगता है. I'm very proud of Padmavati as a film. And I'm extremely thankful for Sanjay sir to give me this opportunity. I have a very bad throat right now, but I'll try. So I'm saying that I'm extremely proud of the film. I'm extremely thankful to Sanjay sir to give me this opportunity. It's a beautiful film, and I'm sure the audiences are going to love it when it comes out. हाँ problem हो रही है, but मुझे लगता है कि थोड़े time में भी settle हो जाएगा, and you will soon see the film. There is, I cannot comment upon this. I don't think I'm in a place to comment upon this at all. I think. And she looks wonderful tonight. Thank you. So, जैसे कि पहले articles में निकला हुआ है, I'm playing Shahid, that is Rahul Ratan Singh's first wife Nagmati. It's a very interesting character. आप film देखने का इंतजार करिए, and then you should tell me how you find it. जी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती. थैंक यू सो मच. हाय अगेन, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया. रोजेस बहुत है, गोल्डन रोजेस है, एंड अवार्ड्स है, लक्स है, सब कुछ है. बहुत बहुत एक्सपेक्टेशंस है. काफ़ी अच्छा अवार्ड शो है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, एंड हम लोग मतलब ऐसे अवार्ड शो में कभी नहीं शामिल हो पाते, बिकॉज होते ही नहीं. सो दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट राइट नाउ. हाँ, आंखों देखा हाल. शाहरुख सर बहुत ही उम्दा तरीके से, अच्छे तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं. ही इज़ प्रेजेंटिंग अवार्ड्स टू द डिवास, एंड ही इज़ चार्मिंग एज ऑलवेज. एंड यार मतलब आंखों देखा और क्या, इतना मैंने लाइव देखा. बाकी आई सॉ जूही मैम गिविंग प्रेजेंटिंग एन अवार्ड टू कैटरीना, एंड ये लाइव ब्रॉडकास्ट है मेरा आपके लिए. उसके अलावा आप देख लेना टीवी पे. हाँ, इज इट गुड यू आर सेइंग? अरे यस, इट इज़ गुड. या आई मीन इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. आई थिंक इट्स द टफेस्ट जॉब. आई मीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री ऑल्सो विद द लेडीज एंड विद ऑल द एक्ट्रेसेज. आई मीन हैट्स ऑफ टू देम, दे आर पुलिंग इट ऑफ सो वेल इन दिस इंडस्ट्री. एंड मतलब अगर आप वैसे भी बात करें कि इंडस्ट्री के अलावा भी, इफ़ यू टॉक अबाउट योर सिस्टर, योर मॉम, योर, इट्स द टफेस्ट जॉब टू प्ले. लाइक आपकी मम्मी का जॉब सबसे ज़्यादा टफ होता है. सो बींग अ लेडी इज I mean, it's a salute to all the ladies, and I think it's a great initiative. Yeah, I would like to wish all the viewers a very happy New Year. Thank you so much. Thank you.
Where's that road? That's a blueprint? No, there's one here. That's a very good question. Ami? Tetu Mashi. अगर बुलाएंगे तो मैं बहुत खुश महसूस करूंगी, खुशी महसूस करूंगी, क्योंकि रेड हॉट तो पता नहीं, बट डेफिनेटली रेड इज़ द कलर ऑफ द सीजन. अभी दिसंबर का महीना है, सो आई एम एक्सप्लोरिंग द रेड. आई एम नॉट बीन अवॉर्डेड येट, बट थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन. I think being associated with Lux, number one, feels amazing. It's a great honor. And being amongst such beautiful divas and actresses that I've looked up to all my life is, again, a very, very big honor. I think all of them are timeless. They're just one. I think I'll name Madhuri ji and Sridevi ji both. We are celebrating women and their achievements. Okay, I've not heard of any incident. I've been here all day, so I don't know of the information, so I can't comment on that. But I think just to talk talk about it only is very, very disturbing, and even think about something like this, it is genuinely very disturbing. So I don't have anything else to say. जा रहे
can you just tell us which category you have been awarded? I think Power Performance of the Year or something. Power Pack Performance. You have been part of the Lux for a long time. What does it feel to be the most admired among the all the new actresses? Well, I'm honored. I'm extremely flattered. And as I have been associated with Lux for many years, so I'm extremely happy to be part of this. Who for you is the timeless beauty? Timeless beauty, it's very difficult to just name one because... Also, we would like to congratulate you for the first posters of your daughter. How does it feel as a parent? It's a great feeling. Like, I'm excited, nervous, happy, concerned, as any mother would be. But she's very hardworking and very dedicated girl. So I hope. It's very unpleasant thing to, you know, to know it is. It is really scary and it is very, very upsetting. It really scares me. So, what do I say? I'm in shock. Any wishes for Virat and Anushka? Haan ji, happy New Year's and have a great, great year. Thank you. जी जब आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा. थैंक यू. थैंक यू. चाहे जो ना है भाई.